आज हमारे क्लिनिक में सांस और एलर्जी के जो मरीज़ हैं उनके जांच के लिए एक कैंप का जो आयोजन किया गया था, उसमें जो जिन मरीज़ों को बार बार छींके आना, नाक से पानी जाना, नाक में खुजली आना, आँखों में खुजली आना, आँखें लाल होना, कानों में खुजली आना, सांस लगना, सांस फूलना, मौसम के बदलाव की वजह से तकलीफ होना, तंबाकू नोशी करने वाले मरीज़ और बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले मरीज़ों को लगने वाला सांस, सांस की और फेफड़ों की तमाम बीमारियों के लिए एक फ्री जांच कैंप रखा गया था। इस कैंप के अंदर हमने जो महंगी जांचें मुफ्त में की गई थी, जिसमें फेफड़ों की कैपेसिटी यानी फेफड़ों की कुवत पता करने वाली मशीन, जो कि काफ़ी महंगी मशीन होती है, उसके ज़रिए हमने मरीज़ों को ये मुफ्त में ये टेस्ट मुहैया कराई, और इसके साथ साथ दीगर टेस्ट भी हमने जो है तो एलर्जी के मरीज़ों के लिए कराई, और बाद मरीज़ों को हमने जो है तो जो गरीब मरीज़ थे उनके लिए हमने मुफ्त में दवाइयाँ भी इस कैंप में बांटे। इससे तकरीबन 35 से 40 मरीज अभी तक जो तो इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। अभी और भी हमारा कैंप ये चल रहा है, तो इससे हम गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का जो है तो लोग फ़ायदा उठाएँ। क्या नाम है वो मशीन का जो आपके पास? स्पायरोमेट्री मशीन के जरिए हमने जो तो मरीजों की फेफड़ों की जांच की। डॉक्टर साहब, कितने साल से, कब से आपका क्लिनिक है ये? तो अभी क्लिनिक हमारा अभी एक महीना हो गया है शुरू हो गया। ये हमारा पहला सांस का कैंप था, और हम आने वाले दिनों में भी ऐसे इस तरीके के कैंप हम करते रहेंगे। इससे गरीब सांस के मरीज जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं और भारी महंगी महंगी जांचें नहीं कर सकते और महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकते, उनको जो है तो कम से कम इसमें फीस में और कम से कम दवा उनको जो है तो रेट में हम जो है तो दवाइयां और मुफ्त में दवाइयां करने की कोशिश करेंगे, मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। फेफड़ों की जांच की फीस कितनी थी? तकरीबन जो मशीन पे हम जो है तो कंप्यूटराइज मशीन पे हमने आज जाँच की, जो हमने मुफ्त की, वो तकरीबन प्राइवेट अस्पतालों में उसकी 1.5 से 2 हज़ार रुपये लिए जाता है। आपका नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर जहीर अब्बास। और हॉस्पिटल का? रूबी एलर्जी एंड अस्थमा क्लिनिक। एड्रेस क्या है इसका? साथ ही बोलो ना। शाह बाजार गजाला तारीख हॉस्पिटल अस्पताल के बाजू में, नशान के पीछे।